अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी के बारे में। सोलेनेसी में हम जो प्लांट ले रहे हैं वो है डतूरा स्ट्रेमोनियम। जो कैरेक्टर डतूरा स्ट्रेमोनियम के होंगे वही सोलेनेसी फैमिली के होंगे। डतूरा का पौधा सभी ने देखा होगा, भगवान शंकर उसका फूल चढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप इस फैमिली की हैबिट देंगे, क्योंकि तो अधिकांश जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं और एनुअल हैं और कुछ पेरिनियल्स भी हैं। हैबिट के बाद आप रूट दीजिए, टैप रूट, फिर आप उसके स्टेम के बारे में वो आप पढ़ सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद लीव्स, प्लांट को आप अपने माइंड में रखकर लीव्स का वर्णन कर सकते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल के लिए आपके सामने रहेगा। ये देखिए, ये है धतूरा का प्लांट, इसका फूल है। तो इसमें अभी हम लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीव्स आप देख कर लग सकते हैं कि सिंपल है, रेटिकुलेट वेनेशन है, इसमें डंठल है, इसलिए इसको पीटिकुलेट लिख दीजिए। हेयरी है तो इसमें आप हेयरी लिख सकते हैं। फिर अरेंजमेंट लिखिए कि एक नोट पर एक है, अल्टरनेट है, देखिए यहाँ पर एक है, फिर अगले उस पर एक है, तो अल्टरनेट लिख दीजिए। इस तरह से लीव्स का डिस्क्रिप्शन हो जाता है। लीव्स के बाद उसका इन्फ्लोरेसेंस दीजिए कैसा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एक ही फ्लावर है लीफ के कक्ष में, तो इसको हम एक्जिलरी लग सकते हैं, सॉलिटरी है, एक ही है। फिर इसका दीजिए फ्लावर के बारे में, फ्लावर में डंठल है तो हम इसको देखिए, डंठल आप देख सकते हैं फ्लावर में, एक फ्लावर हम निकाल लेते हैं, डंठल है इसलिए इसको हम पेडिसलेट लेंगे। इसके बाद ब्रैक्ट है तो इसमें आप लिख दीजिए, ब्रैक्टिएट कंप्लीट है तो कंप्लीट लिख दीजिए, क्योंकि सभी पार्ट्स हैं, पांच के चक्र में, इसलिए पेंटा मेरस बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल। और इस तरह से आप बुक से देखकर डिटेल्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो समझने वाली बातें हैं वो हम ध्यान से पूर्वक बताएंगे आपको। कैलिक्स देखिए, अब एक फ्लावर तोड़िए इसमें से, ये देखिए फ्लावर, इसमें हम सेपल्स देख सकते हैं, ये देखिए सभी सेपल्स जुड़े हुए हैं। तो सेपल्स की संख्या जो इतने निकली हुई है नुकीले हिस्से, उनसे आप बता सकते हैं कि इसमें पांच सेपल्स हैं। ये देखिए सेपल्स फाइव जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको लिख दीजिए गेमो से पहले। फिर इसका एस्टिवेशन दीजिए, ग्रीन है ग्रीन लिख दीजिए, एस्टिवेशन दीजिए कि ये किस तरह से अरेंज है। तो वालवेट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसको वालवेट, इसमें वालवेट एस्टिवेशन होगा। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, कुछ बुक्स में ये अलग भी मिल सकता है आपको, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वालवेट एस्टिवेशन, कहीं कहीं इम्ब्रिकेट भी मिल सकता है आपको। इसके बाद कोरोला पेटल्स फाइव, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइव पेटल्स हैं और जुड़े हुए हैं, तो इसलिए गेमो पेटेलस। अब इसका एस्टिवेशन देखिए कि ये कैसा है, इसको भी आपको बर्ड में देखना पड़ेगा। ये देखिए ये फ्लावर बर्ड ली हमने, इसमें हमने सेपल्स को तोड़ के अलग कर दिया।
अब ये पेटल्स हैं, बड निकालने के बाद आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को ढके हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो कहने का मतलब इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन मौजूद है। तो इसमें लिख दीजिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके बाद एंड्रोसियम गायनोसियम का वर्णन कीजिए। एंड्रोसियम में आप देखिए कितने एस्टिमेंट्स हैं, आप सिंपली देख सकते हैं। ये देखिए इसमें आप कहीं भी कॉलोनी में धतूरे के पौधे ला सकते हैं, उनसे देख सकते हैं। इसमें ये देखिए 5 एस्टिमेंट्स हैं। और एक और ख़ास चीज़, इसको हम पूरा खोलते हैं। ये देखिए एस्टिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं कोरोला से। ये कोरोला ने ट्यूब बना लिए, जुड़े हुए हैं, और उन्हीं से एस्टिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ये बीच में गायनोसियम थी, इसको हम अलग करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम। पहले देखिए एंड्रोसियम में 5 एस्टिमेंट्स और पेटल्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए एपी पेटल्स लिखिए। बेसिफिल्स लिखिए क्योंकि बेस से जुड़े हुए हैं फिलामेंट्स। फिर गायनोसियम के लिए ओवरी का टीएस काटना पड़ेगा, गायनोसियम में कितने कार्पल्स हैं जानने के लिए। ओवरी का टीएस काटने के लिए हम इसका फ्रूट ले सकते हैं छोटा सा। इसके अलावा बड़े फ्रूट से भी काम चल सकता है, तो उसका टीएस काट लीजिए। टीएस थोड़ा मोटा भी चल जाता है, काट के हम उसको माइक्रोस्कोप पर रखेंगे। देखिए कट गया, अब हम इसको माइक्रोस्कोप पर रखते हैं। माइक्रोस्कोप पर रख के फिर हम इसको देखेंगे। देखिए कैसे दिखता है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें ओब्यूल्स कौन से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऊपरी वाल है, ये, और ये अंदर ओब्यूल्स दिख रहे हैं, और यहाँ ये चैम्बर्स बन गए हैं दो, और ये प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा इस तरफ और एक प्लेसेंटा इस तरफ। ये प्लेसेंटा पर ये ओब्यूल्स अलग दिख रहे हैं, गोल गोल, ये देखिए इन्हीं से बीज बनेंगे। ये देखिए ये हैं ओब्यूल्स, और ये इस पर लगे हुए हैं, इस पर देख आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं, ये प्लेसेंटा कहलाता है। अब यहाँ खाली जगह दिख रही है आप, देखिए ये लोक्यूल है, एक लोक्यूल इस तरफ चैम्बर और एक लोक्यूल ये चैम्बर, इस चैम्बर में ये ओब्यूल्स हैं, ये ओवरी की वाल है। ठीक, और साफ हो गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्जाइल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि दोनों चैम्बर्स यहाँ जुड़ गए हैं, फिर ये दोनों तरफ प्लेसेंटा निकला हुआ है। तो जुड़ने के बाद सेंटर में एक्सिस पर ओब्यूल्स लगे, इसलिए उसको एग्जाइल प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो गायनोसियम में हमने देखा अभी किस तरह का चित्र था, कुछ ऐसे दो चैम्बर्स दिख रहे थे हमको, एक और एक दो, इस तरह के दो चैम्बर थे और यहाँ जुड़े हुए थे, और यहाँ प्लेसेंटा था और यहाँ ओब्यूल्स लगे हुए थे।
ये है एग्जाइल प्लेसेंटेशन। तो दो चम लोब्स हैं इसलिए ये है बाई कार्पेलरी, जुड़े हुए हैं इसलिए सिनकार्पस, ओवरी उप सुपीरियर या इन्फीरियर इसके लिए एलएस फ्लावर काटना पड़ेगा, हम अभी काट के बताएंगे। यहाँ ओवरी सुपीरियर है, प्लेसेंटेशन लिख दीजिए एग्जाइल प्लेसेंटेशन। इसके बाद फ्रूट लिखिए, याद कर सकते हैं फ्रूट कैप्सूल। फिर आता है इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हम देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनेगा। फ्लोरल डायग्राम के लिए हम फ्लावर आपको भी दिखाई चुके हैं, तो सबसे पहले आप मदर एक्सेस बनाइए, फिर डॉट डॉट करके नीचे जाइए, और चूँकि 5 सेपल्स हैं इस तरह से 5 सेपल्स बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैक्ट मौजूद है तो इसलिए नीचे ब्रैक्ट आ जाए। 5 सेपल्स पूरे कर दीजिए इस तरह से आप, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद पेटल्स जो हैं वो इस तरह से बनेंगे, एक जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ जोड़ दीजिए, 2, ये देखिए हमने इस तरह से बनाया। ऐसा आपस में को जोड़ दिया तो गैमो पेटल्स हो गए, 5 पेटल्स बन जाएंगे। सभी को इस तरह से डबल कर दीजिए यहाँ भी, और जो स्टेमेंस हैं वो इनके से जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ से जोड़ दीजिए, 5 स्टेमेंस इस तरह से बना दिए। अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है वो है इसकी ओवरी। ओवरी यहाँ पर आप किस तरह का किस प्रकार बनाएंगे देखिए, यहाँ ओवरी बनाने के लिए आपको इसकी एक लाइन तिरछी लाइन बनानी, सीधी लाइन बना तिरछी लाइन बनाइए और फिर इसको 2 चैम्बर में बांट दीजिए ऐसा, 1, 2 और फिर यहाँ ओबुल्स लगा दीजिए इस तरह से। तो ये जो है ऑब्लिक तिरछा, ओवरी जो है इसकी तिरछी होती है। ये चित्र सीधा भी हो सकता था लेकिन तिरछा बनाया ओवरी को, ये जो डंडी बनाई है, हाँ यदि बनाते तो ओवरी सीधी हो जाती, लेकिन सोलेनेसी फैमिली की विशेषता होती है कि इसमें ओवरी तिरछी पाई जाती है। इसको आप केवल फ्लावर में जब वो डाल पर लगा हुआ हो तब आप इसको देख सकते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं बताने का। अब हम देखेंगे इसका फ्लोरल फार्मूला, तो नीचे आप लिख सकते हैं फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट EBRL ईब्रैक्टिट, फिर इसको लिखिए जाइगो मॉर्फिक। ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या कहलाएगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक ही कहलाएगा क्योंकि यहाँ से भी दो बराबर से हो सकते हैं और यहाँ से भी दो बराबर से हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर बाइसेक्सुअल कैलिक्स लिखिए, 5 जुड़े हुए हैं इसलिए इनको आपस में जोड़ दीजिए। बुक में यदि ना भी जुड़े हों तब भी आप जुड़िए क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि 5 पेटल्स सेपल्स जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ कोष्ठक बना दीजिए क्योंकि जुड़े हुए हैं सेपल्स। इसके बाद सी कोरोला, 5 पेटल्स जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम 5 स्टेमेंस हैं और ये स्टेमेंस जुड़े हुए हैं पेटल्स से, इसलिए इसके ऊपर से सर डंडा बना दीजिए। फिर गायनोशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर भी हम एलएस काटते हैं फ्लावर का उसमें आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप उसको प्लांट को देख कर और एक सबसे पहले तो यहाँ लेफ्ट साइड में उसका एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। यहाँ उसका क्लासिफिकेशन दीजिए। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ आप एलएस फ्लावर बनाएंगे। एलएस फ्लावर के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में आप सीधा फ्लावर लिया, जैसे फ्लावर लिया हमने फिर इसको
निचले हिस्से से काटना शुरू करते हैं, बिल्कुल मध्य से डंठल से आप काट दीजिए। दो हिस्से कर लीजिए। इस तरह से दो हिस्से हो जाएंगे। इसके बाद उसको नीचे रखकर और उसका आप डायग्राम देख के भी बना सकते हैं। इसमें आप डंठल बनाइए सबसे पहले, उसका डंठल के बाद यहाँ थैलेमस बना दीजिए। थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओवरी बनाइए, ओवरी के ऊपर स्टाइल, ये इसकी स्टाइल होगी। स्टिग्मा कट गई है, स्टिग्मा इसकी दूसरे पार्ट में चली गई है, तो हम वहाँ से इसको बना सकते हैं। ये देखिए स्टिग्मा इसकी कुछ इस तरह से रहती है, तो स्टिग्मा बना दीजिए ऊपर। इस तरह से इसका एलएस बना सकते हैं आप, पेडिसिल, ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यहाँ ये कैलेक्स, सेपल्स हैं ग्रीन वाले और ये पेटल वाइट वाला। प्रैक्टिकल के लिए एलएस फ्लावर बनाएंगे आप। इसके बाद कैलेक्स और कोरोला अलग से भी बना सकते हैं आप, एक ओपन्ड पेटल बना सकते हैं। कोरोला लोब्स जो हैं इस तरह से अलग अलग करके ऐसे बना दीजिए और इसमें आप पांच जो पेटल्स हैं, सॉरी पांच स्टेमेंस वो लगे हुए दिखा सकते हैं इस तरह से। इसको आप बोल सकते हैं कोरोला ओपन्ड, खुला हुआ। इसके बाद ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा भी अलग से बना सकते हैं, मतलब गायनोसियम। एक क्षत्रिय बना दीजिए, उसको रख दीजिए गायनोसियम। एक स्टेमेन बना दीजिए अलग से, लेबलिंग कर दीजिए। यहाँ फ्लामेंट, एंथरलोप्स, यहाँ भी करिए ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, लेबलिंग सभी जगह होनी चाहिए। बस फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला आप पहले बना चुके हैं, यहाँ आप क्लासिफिकेशन दे देंगे, उसके साथ आपका ये प्लांट सोलेनेसी फैमिली ख़त्म होती है। इसमें एक चीज़ और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आता है, इस फैमिली में बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो आप डेली लाइफ में आप यूज होते हैं, इसलिए इसका आर्थिक महत्व बहुत उपयोगी है। जैसे सोलेनम नाइग्रम मकोई है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, सोलेनम मेलोंजेना या भटा है, बहुत सारी जो सब्जियां आप डेली यूज़ करते हैं वो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो आप डेली कुछ प्लांट्स के नाम याद रखेंगे, कैप्सिकम, एनम, मिर्ची है, कुछ धतूरा जैसे हम पहले देख चुके हैं, इसके अलावा निकोसियाना टबेकम या तंबाकू है, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आप तैयार करें। और इस प्लांट को आप मन में रख के फैमिली डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। फ्लोरल डायग्राम एक बार और मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ। फ्लोरल डायग्राम में ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ऊपरी तिरछी बनाना है, यही इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। और दूसरा ये स्टेमेन से वो पेटल से जुड़े होंगे, इसको बना के आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेमोरी में प्लांट रहना चाहिए और फिर आप वहाँ से फैमिली सोलेनेसी का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं।